हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो SQL की है और SQL में क्या सीखेंगे हम, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक नया सिनेरियो ओपन हो जाता है जो कुछ इस तरह का है। अब यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला सिनेरियो दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ क्रिएट पे वापस से क्लिक करना है, ठीक है। और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए। ये बॉक्स ओपन होता है शो टेबल वाला, यहां से इसे आपको कर देना है क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा SQL व्यू, इसी पर कर दीजिए क्लिक। काम हो गया है आपका। अब यहां पर हमको चूंकि टेबल बनाना है तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्रिएट टेबल, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम टेबल ही बना रहे हैं, दैट्स व्हाई ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब टेबल का नाम क्या देंगे, आप टेबल का नाम दे देते हैं लाइक ST, यानी स्टूडेंट टेबल, ST नाम दे दिया हमने इसे। एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहां पर हमको करना क्या है, सबसे पहले तो रोल नंबर देना है, तो ये रोल और यहां पे अंडरस्कोर करके नंबर दे दिया, तो ये रोल नंबर हो जाएगा। अब रोल नंबर को देखिए, क्योंकि हमको सीखना है इंटीजर डेटा टाइप, तो यहां पे इंट डेटा टाइप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इंट डेटा टाइप, ठीक है, कॉमा देंगे। इंट डेटा टाइप हो गया, कॉमा दे दिया। रोल नंबर के बाद यहां पे आएगा नेम, तो ये नेम लिख दिया। नेम को आप दोनों रख सकते हैं, वेयर कैर भी रख सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं, तो यहां पे मैंने टेक्स्ट रख दिया है, ठीक है। और यहां पर कॉमा लगाना है फिर से आपको, फिर एंटर करके नीचे आते हैं। अगर आप देना चाहते हैं एज तो यहां पे दे दीजिए एज। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लगाना है इंट डेटा टाइप, ठीक है। अब इंट डेटा टाइप यूज करेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं और क्या फायदा है, दोनों आपको बताता हूं, ठीक है। एंटर करके नीचे आते हैं, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अगर आपको कोई और भी डेटा लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर ST नाम से टेबल क्रिएट हो गई आपकी, ठीक है। ये पुरानी वाली टेबल है, इसको हमको लेना नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये टेबल वन बेकार का आ गया है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अभी ST नाम से ये आ गया है। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए रोल नंबर को हमने इंटीजर डेटा टाइप रखा था, तो यहां 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम, क्योंकि टेक्स्ट लिया था तो यहां पर राम लिख सकते हैं। एज लिख देते हैं 34, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख देते हैं श्याम, यहां तक बात समझ में आ रही है ना। यहां पर लिख देते हैं, अब जैसे मान लीजिए इनकी एज है 7 साल, श्याम की एज है केवल 7 साल, तो यहां पर 07 जैसे ही लिखा मैंने तो आपने नोटिस किया कि यहां से 0 ऑटोमेटिकली हट गया है। अब ये क्या चक्कर है, तो इसके पीछे कारण ये है कि जो आपने क्वेरी बनाई है उसमें आपने रखा है एज को इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर के आगे आप 0 लगाएंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो हट जाएगा बार बार। तो अगर आपको इसके आगे 0 लगाना है तो आप इसको बदल दीजिए टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहां पर जैसे TEXT लिखेंगे आप टेक्स्ट, तो ये जो है अब इसको देखेंगे आप, तो यहां पर एक बार इसको फिर से रन करवा देता हूं मैं, ऑलरेडी ओपन दिखा रहा है ST, तो पहले इसको सेव करके क्लोज कर देता हूं। और ये आपकी क्वेरी है, इसको भी सेव किया, क्लोज किया, ठीक है। तो ये क्वेरी आपकी आ गई है। और अब डिजाइन पे जा करके और इसको दोबारा से रन करवा देना है आप। यहां पर ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहां पर इसको चेंज कर देते हैं, RR नाम दे देते हैं, काम हो गया। यहां पर अब इसको रन करवाइए, तो रन करवाया, ये रन भी हो गया क्लिक करके। और यहां पर अब लगाते हैं रोल नंबर 1 लिखा हमने, ठीक है। और रोल नंबर को 1 लिखने के बाद यहां पर रोल नंबर 1 लिख दिया हमने, और यहां पर लिख देते हैं अभी, एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं अभी, और इनकी एज लिखते हैं 08 ईयर, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि 8 ईयर यहां पे टाइप हो गया है, 08 भी टाइप हुआ है, ठीक है। यहां पर 2 लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं सचिन, ठीक है। तो सचिन यहां पे लिख दिया, और इनकी एज टाइप करता हूं 09 ईयर, तो यहां पे 09 भी हमें ये टाइप करने दे रहा है। तो ये फायदा है, अगर आप इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा और टेक्स्ट लेते हैं तो क्या होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।